इलाहाबाद शहर से 35 किलोमीटर दूर सहसो नामक जगह से ये हमारे भगवती और फूलचंद अपने साथी कलाकारों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। ये बीन ढोल बजाते हैं और साथ में कुछ युद्ध कलाएं करते हैं। ये चाहते हैं अपनी इस कला के माध्यम से ही हम कमाएं और अपने परिवार को चलाएं। ये किसी भी कार्यक्रम में कम से कम 1,000 रुपए ग्रुप के ग्रुप को मिल जाता है, लेकिन इनके परिवार के लोग इस कला को नहीं चाहते और इसे पसंद नहीं करते। आप अपने बच्चों को ये काम सिखाएंगे? नहीं साहब, पढ़ा रहा हूँ साहब। ऐसी है, बेइज्जती होता है। बाप नाच रहा है तो बेटा भी न जाओ, क्या मतलब है जी? ये चाहते हैं कि इनका चूल्हा हर रोज जल सके और अपने परिवार को अच्छे से खिला सके, पर अभी ये नहीं हो पा रहा है। आप अपने बाजा बजाने से खुश हैं? तो सर, हम तो खुश हैं, मगर बच्चे नहीं खुश हैं। क्यों नहीं खुश हैं? इसलिए नहीं खुश के कमाई प्राइवेट नहीं होती। क्या आपको ये नाचने और बजाने से मना करते हैं? सर, हमको बहुत भ्रम मना करते हैं, मगर शौक है सर। अगर इनकी स्थिति में बदलाव आए और इनको मान सम्मान मिले, सरकार इनको प्रोत्साहन दे और गाँव में ही इनके लिए रोजी की कुछ चिंताएं हल हो जाएं, तो शायद ये अपने कला को भी जिंदा रखेंगे, अपने परिवार को भी जिंदा रखेंगे, आने वाले भविष्य को भी अपनी कलाओं की जानकारी देंगे। मैं अजीत बहादुर, इंडियन हर्ड के लिए इलाहाबाद से।